Salam class, welcome to the series of lecture of object oriented programming, lecture 4, week 4. In this lecture we see how to create a class and object for it. We see what is mean by class in object oriented programming. We recap our previous studied lecture. Then we see what is constructor and destructor in class, and at the end we do a practical example of all above mentioned techniques. In previous lecture we studied OOP paradigm. Object oriented problem solving can consist of designing objects whose behavior solves a specific problem. A message to an object causes it to perform its operation, and also it's part of the problem. Then we see what step is used in OOP to solve any problem. The object oriented problem solving approach in general can be divided into 4 steps. First one, identify the problem, then identify the object needed for the solution, then identify messages to be sent to the object and create a sequence of messages to the objects that solve the problem. तो basically आपके पास हमने ये पढ़ा था कि OOP paradigm क्या है. अब OOP paradigm means कि हम OOP basically object और classes से related concept को हम कहते हैं. तो हम किस तरह से किसी real प्रॉब्लम को OOP के अंदर मैप कर सकते हैं. जैसे कि लेट्स से हमने लास्ट टाइम देखा कि हमने दो नंबर्स का सम अप करना है. ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, इसको हम OOP में कैसे लाई करेंगे कि हमें इसके लिए क्लास बनानी होगी. देन इसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट कितने चाहिए. सम के लिए आपके पास लेट्स से दो ऑब्जेक्ट चाहिए. इसी तरह आपके पास उसको सम अप करने के बाद आपने उसको शो करवाना है. अगर लेट से ये आपके पास सिक्वेंशियल स्टेप चल रही हैं कि आप मल्टीपल नंबर्स को वन बाय वन सम अप कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली आपके पास एक मैसेज भी जनरेट होगा इनके लिए. तो हम क्या कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को OOP में मैप कर सकते हैं यूजिंग OOP कंसेप्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन. डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट वी कैन यूज टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन OOP पैराडाइम्स के. देन इसके आपके पास बेसिकली 4 स्टेप्स थे जो हमने देखे थे. फर्स्ट आपके पास क्या था कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन उस प्रॉब्लम के लिए आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए उसके सोल्यूशन को परफॉर्म करने के. देन कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को मैसेज पास करेगा कि जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई है. देन अगर ये सिक्वेंशियल आपके पास प्रॉब्लम है तो सिक्वेंशियल मैसेज हमें थ्रो करना होगा. ठीक है, नाउ वी सी आवर टुडे लेक्चर. व्हाट इज मीन बाय क्लास इन OOP. क्लास इज बेसिकली अ blueprint for object. It declare and define what data variables the object will have and what operations can be performed on the class object. A class is defined in C++ using keyword class followed by the name of class. The body of class is defined inside the curly braces
end, terminated by a semicolon at the end. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, आपके पास क्लास एक ब्लू प्रिंट का ऑब्जेक्ट का नाम है, इसके अंदर आपके पास हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं डेटा वेरिएबल को, फिर उनसे रिलेटेड फंक्शनैलिटी को हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन आपके पास जो क्लास की बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर हम उस क्लास से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा फिर आपके पास बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि क्लास का स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसिस और एंड होता है उसका कर्ली ब्रेसिस विद सेमी कॉलन। तो आपके पास जितने भी नॉन क्लास फंक्शन होंगे या आपके पास कंस्ट्रक्टर होंगे, उनकी एंडिंग जो होगी वो विदाउट सेमी कॉलन होगी, और जो क्लास है वो आपके पास हमेशा एंड होगा विद सेमी कॉलन के साथ। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखने कि जब भी हमने किसी क्लास को एंड करना है तो सेमी कॉलन लाजमी हमने अप्लाई करना है, ठीक है। अब लेट्स हम इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास एक क्लास का कीवर्ड आएगा, देन उस क्लास का नाम आएगा जो आप नाम दोगे, उसके बाद स्टार्टिंग आपके पास आ जाएगी उस क्लास की, बेसिकली ये डिनोट करेगा कि क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देन हम कुछ एक्सेस स्पेसिफायर करेंगे उसके लिए, क्योंकि हमने आगे इन डिटेल में हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे कि प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड कुछ उसके एक्सेस स्पेसिफायर होंगे जो कि हम डिक्लेयर करेंगे मेम्बर ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आपके पास डेटा मेम्बर्स होंगे जो कि इन स्पेसिफाइड मेंबर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होंगे, इस तरह आपके पास मेंबर फंक्शंस होंगे, ठीक है। और एट द एंड हम जब क्लास को एंड कर रहे होंगे तो हम सेमी कॉलन लाजमी लगाएंगे, ठीक है। लेट्स अब आपके पास एक एग्जांपल है, क्लास है आपके पास बॉक्स की, उसका एक्सेस स्पेसिफायर उसके जितने भी मेंबर ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है आपके पास पब्लिक, और तीन किस्म के उसके मेंबर ऑब्जेक्ट हैं, एक है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और यहाँ पे वो आपके पास एंड हो रही है विद सेमी कॉलन। इसके अंदर क्या आपके पास क्या ये कंप्लीट क्लास है, नहीं, ये क्लास कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिफाइन नहीं की। यानी कि लेट्स अगर मैं बॉक्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर मैं यूज़ करते हुए बॉक्स का लेट्स से डिफरेंट किस्म के चीज़ें फाइंड आउट करूँ, जैसे कि लेट्स से मेरे पास एरिया है, वॉल्यूम है, तो ये मेरे पास इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूजेस होगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बताई, उनका यूज़ नहीं बताया, तो ये बेसिकली आपके पास एक अनकम्प्लीट क्लास है। देन इसी तरह आपके पास एक और क्लास है ह्यूमन की, जिसके अंदर आपके पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है मेंबर ऑब्जेक्ट के लिए, और ये डिफरेंट किस्म के ह्यूमन के पार्ट्स हैं, लेकिन ये सारे आपके पास अगेन मेंबर ऑब्जेक्ट हैं क्लास के, और मेंबर फंक्शन इसके लिए हमने डिक्लेयर नहीं किए, इसलिए आपके पास एक अनकम्प्लीट क्लास है। देन व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन क्लास, अ क्लास कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर अ क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। अ कंस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज अ क्लास एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एट आर, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर सर्टेन मेंबर वेरिएबल्स। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपके पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है,
जिसका नाम एग्जैक्टली जो क्लास का नाम होगा उसका नाम वैसे वही होगा, और ये कंस्ट्रक्टर आपके पास विदाउट एनी रिटर्न टाइप यूज़ होगा, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर आपके पास किसी भी, चाहे वो आपके पास नॉन रिटर्न टाइप हो या कोई रिटर्न टाइप हो, उसको यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। देन हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम आर नॉर्मल फंक्शन, अ कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज अ क्लास इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ कंस्ट्रक्टर, C++ compiler generate a default constructor for us, accepts no parameters and has an empty body. बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर आपके पास एक वाहिद मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम पे होता है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। दूसरा, जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे हम उनको जाके कॉल अप करेंगे मेन के अंदर, तो वो कॉल होंगे अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा आपके पास मेंबर फंक्शन होता है स्पेशल जो कि खुद ही कॉल होता है, और अगर मैंने उसको क्रिएट हम नहीं ना भी करें क्लास में तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसको खुद क्रिएट कर लेता है विद नो बॉडी। उसकी कोई बॉडी नहीं होती जिसके अंदर कोई चीज़ें राइट अप हो, और ना ही उसका कोई पैरामीटर होता है, इसलिए ये आपके पास एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दे आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज मीन बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? Default constructor is a constructor which does not take any argument. It has no parameter. तो basically आपके पास इसकी example है कि जो default constructor वो constructor होता है जिसका कोई parameter नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए कोई parameter आप कभी भी write up नहीं करोगे। अब जैसे let's say आपके पास क्या है, मेरी क्लास का नाम क्या है आपके पास, कंस्ट्रक्ट, और डिफॉल्ट उसके कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, सेम जो क्लास का नाम है, और उसके अंदर आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है क्योंकि ये आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर आप पास नहीं करोगे, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इट इज़ पॉसिबल टू पास आर्गूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर। टिपिकली दीज आर्गूमेंट हेल्प इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट वेन इट हैज़ क्रिएटेड। टू क्रिएट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सिंपली एड पैरामीटर्स टू इट द वे यू वुड टू एनी अदर फंक्शन। When you define the constructor body, use the parameters to initialize the object. तो basically वो क्या कह रहा है कि default constructor क्या होता है आपके पास, जब हम किसी constructor के अंदर parameter pass करते हैं तो वो आपके पास basically parameterized constructor होता है, और जब हम उसके अंदर parameter pass ना करें तो वो आपके पास default constructor होता है, ठीक है। और बेसिकली जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है हम उसको नॉर्मली जब हमने किसी फंक्शन के अंदर किसी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना हो तब हम यूज़ करते हैं, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी प्रोग्राम के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज को शो अप करवाना हो, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क का एक फ़र्क क्या है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कब यूज़ होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तब यूज़ होता है जब हमने किसी चीज़ को इनिशियलाइज करवाना हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब यूज़ होता है जब हमने
प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स रखना हो जो कि अनचेंजेबल है, जैसे कि लेट्स से अगर हम एग्जांपल लें स्टूडेंट की, स्टूडेंट के जो के लिए हम जो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट यूज़ करेंगे वो क्या चीज़ें होंगी, यूज़र का नाम कभी चेंज नहीं होगा, यूज़र का फादर नेम कभी चेंज नहीं होगा, यूज़र का जो बेसिकली उसका जो आपके पास सेमिस्टर है वो करंट सेमिस्टर में कभी चेंज नहीं होगा। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मैं सेमिस्टर वन में हूँ और ड्यूरिंग सेमिस्टर वन मैं कहता हूँ कि मेरा सेमिस्टर टू शुरू होगा, ये पॉसिबल नहीं है। पैरामीटर राइट कंस्ट्रक्टर में स्टूडेंट की क्या चीज़ें होंगी कि उसका ग्रेड, उसके सब्जेक्ट के मार्क्स जो कि कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे, ठीक है। लेट्स से अब आपके पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक क्लास है पॉइंट की जिसके अंदर हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर है, हमारे पास जो मेंबर फंक्शन है उनके लिए जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो आपके पास प्राइवेट, इसका मतलब क्या है वो सिर्फ इसी क्लास की बाउंड्री में ही एक्सेस होंगे, इससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। देन अब आपके पास वो क्या कह रहा है, पब्लिक का मतलब क्या होगा कि ये जो इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम इसको आउट ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्टर बना रहा है पैरामीटराइज, उसको दो वैल्यू पास कर रहा है, उनको पास करने के बाद उनको असाइन कर रहे हैं इसकी प्राइवेट वैल्यूज के साथ। देन वो एक मेंबर फंक्शन बना रहा है जो कि गेट एक्स का है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और एक आपके पास है गेट वाई जो कि आपके पास इंटीजर टाइप का है और उसकी रिटर्न टाइप आपके पास इंटीजर है, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके पास। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्ट्रक्टर आपके पास ऑपोजिट होता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को बिल्डअप करें, डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि हम उस बिल्टेड चीज़ को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दें। अब डिस्ट्रक्टर यूज़ क्यों होता है, लेट्स से ये बेसिकली आपके पास जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है किसी प्रोग्राम की उसके अंदर हेल्प आउट करता है, यानी कि लेट्स से अगर मैं बार बार सारे कंस्ट्रक्टर ही कॉल करता रहूँ डिफरेंट क्लासेस के तो आपका प्रोग्राम हैवी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेंगे चाहे वो यूज़ हो रहे हों या ना हो रहे हों, इससे क्या होगा आपके पास मेमोरी लॉस होगा। रादर देन कि हम इस चीज़ को बेरअप करें, ऊप के अंदर कंस्ट्रक्टर को रिमूव करने के लिए डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि बिल्ट इन फंक्शन जो आपके पास मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर, उसको खुद डिस्ट्रॉय कर देता है जब हम इसको कॉल अप करते हैं। लेकिन ये कब कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है तो हम इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेते हैं या कंप्यूटर भी खुद कॉल कर लेते हैं। अब जब फंक्शन और कहाँ कहाँ ये कॉल होता है, द फंक्शन एंड द प्रोग्राम एंड अ ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड अ डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड। तो बेसिकली चार वे में ये आपके पास कॉल ऑटोमेटिकली, जब कोई फंक्शन एंड हो जाता है या जब कोई प्रोग्राम एंड हो जाता है आपके पास, या आपके पास जो ब्लॉक ऑफ कंटेनिंग जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं वो एंड हो जाते हैं, या आपके पास हम इसको खुद ही फोर्सफुली कॉल अप करते हैं डिलीट ऑपरेटर को। हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल फंक्शन, अब ये किस तरह से डिफरेंट होता है, कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज अ क्लास प्रीसीडेड बाय अ साइन ऑफ, आपके पास टिल्ड यूज होता है। प्रीसीड का मतलब क्या है कि इसके जब भी इसको हम यूज़ करेंगे इससे पहले साइन को यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर डू नॉट टेक एनी आर्गूमेंट
एंड डू नॉट रिटर्न एनी थिंग। तो बेसिकली आपके पास कंस्ट्रक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो उसका नाम सेम होता है जो कि क्लास का होता है, लेकिन उस नाम से पहले आपके पास टिल्ड का साइन आता है। देन कंस्ट्रक्टर आपके पास किसी और टाइप का नहीं होता, कंस्ट्रक्टर में आपके पास कोई भी पैरामीटर पास नहीं होते, ठीक है। अगर से आपके पास क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग की एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर मेरे पास दो मेंबर ऑब्जेक्ट हैं, एक करेक्टर का है और एक इंट साइज का है। देन मैंने पब्लिक स्ट्रिंग करेक्टर स्टार किया है एक कंस्ट्रक्टर को, जो कि मेरे पास एक पैरामीटर आइज है। देन इसी कंस्ट्रक्टर को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये याद रखिएगा कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर यूज करेंगे, आपके पास साइन ऑफ टिल्ड जो होगा वो हमेशा आपके पास डिस्ट्रक्टर के साथ यूज होगा, और डिस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, लेट्स से आपके पास हमने ह्यूमन की बात की है, तो ह्यूमन आपके पास एक क्लास है और उसके अंदर जो आपके पास, लेट्स से हम पहले मूव अप करते हैं उस क्लास उसकी तरफ, लेट्स से अब आपके पास क्या है, ह्यूमन एक आपके पास क्लास है और उस ह्यूमन की क्लास के अंदर आपके पास तकरीबन 7 मेंबर ऑब्जेक्ट हैं। और अगर मैंने इसको कंप्लीट करना हो तो मैं क्या करूँगा, अब लेट्स से हेड की फंक्शनैलिटी क्या है आपके पास, कि ये मूव हो सकता है। नेक की आपके पास फंक्शनैलिटी क्या है, बेसिकली हम इसकी बेसिस पे हम कोई डिफरेंट वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह आपके आर्म्स, आपके हैंड्स, आपके लेग्स और आपके फीट, अगर हम इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक फंक्शन अप्लाई कर दें तो ये आपके पास एक कम्प्लीट क्लास हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से आई गो टू कंक्लूड आवर टुडे लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। A class is a blueprint for creating object, a particularly data structure, providing initial values for state, member variables or attributes, and implementation of behavior mean member function or method. The user-defined object are created using the key class keyword. Then we see what is mean by class constructor. A class constructor is a special member function of a class that is executed whenever we create new object of that class. Then we see different types of constructor, in which we see default constructor. Default constructor means there is no parameter passing to it. Parameterized constructor. Parameterized constructor means when we pass parameters to a constructor, it's known as parameterized constructor. Then we see class destructor. Destructor is a member function which destructs or delete an object. Okay, class. Thank you.